तो आप सब लोगों को पता है ही, अगर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करना है, अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो आपको अपने चैनल को पहले मोनेटाइज कराना तो है, और मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज चाहिए होगा, तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो, जिसके बाद आप अपने वीडियो से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हमारे चैनल के ऊपर अभी के समय में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आखिरकार मैंने अपने YouTube के इस जर्नी में, जिस जर्नी में लगभग मुझे 1.5 से 2 साल कंप्लीट होने वाला है, इस जर्नी में मैंने अभी तक YouTube से कितना पेमेंट उठाया हूँ, मेरा कितना डॉलर जनरेट हुआ है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, पूरा भांडा फोड़ कर दूंगा कि आखिरकार मैंने YouTube से अभी तक कितना इनकम किया है। और इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसे मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, अगर आपने एक नया चैनल क्रिएट किया है, या फिर आपने बहुत दिनों तक YouTube के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, उसके बावजूद अभी तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इस वीडियो के लास्ट को देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आखिरकार मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ ही साथ अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखाता हूँ कि आखिरकार मैंने अपने YouTube से कितना ज़्यादा इनकम किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार मेरा अर्निंग कितना होता है 1 मंथ में, या फिर मेरा कितना डॉलर बनता है। उसके लिए मैं यहाँ पे अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को भी ब्लर करके रखा हुआ है। उससे पहले चलिए यहाँ पे मैं आपको लास्ट अपने 48 घंटे में मेरा कितना व्यूज़ आता है वो आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं एनालिटिक्स पे चले जाता हूँ। एनालिटिक्स में जाने के बाद इसे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रियल टाइम में मेरा कुछ इस तरह का व्यूज़ आ रहा है, जो कि देख सकते हो 59,000 लास्ट 48 घंटे में मेरा आया है। और यहीं पर मैं लास्ट 60 मिनट पर करता हूँ, तो देख सकते हो लास्ट 60 यानी कि 1 घंटे में मुझे 2,000 व्यूज़ आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल चीज़ दिखाता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप आए हो वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेवेन्यू का, तो चलिए मैं इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देता हूँ। अब रेवेन्यू के ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरा 1 भी डॉलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो वीडियो परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर भी कोई भी डॉलर जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहीं भी आप कुछ भी देखोगे तो मेरा 1 भी डॉलर यहाँ पर अभी तक कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर डॉलर वाला ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। इसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे एरर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक के बाद इस तरह से मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया ही कंप्लीट हुआ है, जो वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मेरा अर्निंग प्रूफ कितना है, यानी कि आप सब लोगों को पूरी तरीके से पता चल गया होगा कि मेरा चैनल जो है वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? जी हाँ गाइस, मेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। लगभग मुझे 1.5 से 2 साल होने ही वाला है, और हमारा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर हुआ है। आप सब लोग वीडियोस को देख ही रहे होंगे, हमारे वीडियोस के ऊपर ज़्यादातर व्यूज नहीं आता है, जिसके चलते हमारा वॉच टाइम जो है वो बहुत स्लो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं एकदम स्लो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मोटिवेशनल वाली बात यह आ जाती है कि आपको इस बात से मोटिवेट होना चाहिए कि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर, सिर्फ यही वाले चैनल के ऊपर मैंने अपना 1.5 साल दे चुका हूँ, और 1.5 साल में लगभग मैंने 300 से प्लस वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जा करके देख सकते हो। और इससे पहले मेरा 2 और चैनल था, वो डिलीट हो गया है, वो अलग की बात है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस यही था कि जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, 2, 4, 5, 8, 10 या फिर 50, 100 वीडियो अपलोड करने के बाद हार मान लेते हैं कि अब हम YouTube नहीं कर सकते हैं, शायद YouTube हमारे लिए नहीं बना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने मेहनत के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने वीडियो क्वालिटी, अपने ऑडियो क्वालिटी, अपने एडिटिंग, थंबनेल, इन सब चीज़ के ऊपर फोकस करना है, और आपको एक इम्प्रूवमेंट लाना है अपने क्वालिटी में, जिसके बाद आप देखोगे कि आपको कैसे ग्रोथ नहीं मिलता है। बस आपको मेहनत करना है, मेहनत के पीछे का फल आपको नहीं देखना है। तो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, और थोड़ा सा भी मोटिवेशनल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप शेयर करोगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो मेरा वीडियो जो है वो बहुत अच्छा से इंप्रूव हो पाएगा, क्योंकि पैसा लगता है इंप्रूव करने में वीडियो के लिए। आप सब लोगों को पता है मेरे पास अभी एक माइक भी नहीं है, जिससे मैं सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो बनाता हूँ। आई होप इस वीडियो को आप लोग शेयर करोगे तो मेरे वीडियो के ऊपर व्यूज आएगा तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो, या फिर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।